दोस्तों, नवरात्रि में हम माता के नौ रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। माता रानी सभी का कल्याण करने वाली है। जैसा कि अभी हमने बात की कि नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माता शैलपुत्री को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। माता शैलपुत्री के अधिकांश बड़े मंदिर पहाड़ों पर ही स्थित हैं। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल अर्थात पर्वत से हुआ है। इनकी आराधना से जीवन में स्थिरता आती है, घर में खुशहाली आती है और इनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिनके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। ये देवी नवदुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। इन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की एक मार्मिक कहानी। एक बार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। माता सती ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह किया था। जब माता सती को इस बात का पता चला कि उनके पिता एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो उनकी उस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने के लिए अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि प्रजापति दक्ष हमसे किसी बात पर रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन माता सती अपनी माता और बहनों से मिलना चाहती थी, अपने पिता का यज्ञ देखना चाहती थी। माता सती को व्याकुल देखकर भगवान शिव ने वहां जाने की उन्हें अनुमति दे दी। लेकिन वहां जाकर माता सती ने देखा कि उनकी माँ को छोड़कर बाकी सभी ने उनसे मुंह मोड़ रखा है, तो माता सती को बहुत बुरा लगा और वो अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाई। उन्होंने वहीं यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपना अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में लिया। माँ पार्वती शैलपुत्री का ही दूसरा नाम है। जय माँ शैलपुत्री।